राधा जी के 16 नामों की महिमा और उनका रहस्य नारायण ने स्वयं एक बार नारद जी को बताया था। तो आइए आज आपको बताती हूँ राधा अष्टमी के मौके पर। राधा नाम को उन्होंने भली भांति सिद्ध नाम बताया था। इसमें रा का अर्थ होता है प्राप्ति और धा का अर्थ होता है निर्वाण, अर्थात निर्वाण को प्रदान करने वाली। दूसरा है रासेश्वरी, भगवान कृष्ण की प्राण प्रिया और अर्धांगनी अतः रासेश्वरी कहलाती हैं। रासवासिनी, उनका रास मंडल में निवास है इसलिए उन्हें रासवासिनी कहते हैं। कृष्ण प्राणाधिका, यानी कृष्ण को प्राणों से अधिक प्रिय है वो। रसिकेश्वरी, समस्त रसिक देवियों की स्वामिनी है, संत उन्हें रसिकेश्वरी के नाम से ही पुकारते हैं। कृष्ण प्रिया, कृष्ण की परम प्रिय है और देवतागण उन्हें कृष्ण प्रिया ही कहते हैं। कृष्ण स्वरूपिणी, कहते हैं लीला में वो श्री कृष्ण का रूप धारण करने में समर्थ हैं और कृष्ण के समान बन जाती है इसलिए उन्हें कृष्ण स्वरूपिणी भी कहते हैं। कृष्ण वामांग संभूता, क्योंकि कृष्ण के वामांग से प्रकट हुई हैं। परमानंद रूपिणी, क्योंकि ये भगवान को परम आनंद देने वाली शक्ति हैं। कृष्णा, इसमें कृष्ण जो शब्द है वो मोक्षदायक शब्द है और ना का मतलब है देने वाली, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली कृष्णा। वृंदा, वृंद शब्द का अर्थ होता है सखियां और आ शब्द सत्ता का सूचक है, यानी सखियों की स्वामिनी वृंदा। वृंदावन विनोदनी, वृंदावन में उनका विनोद होता है इसलिए वेद उन्हें वृंदावन विनोदनी कहते हैं। चंद्रावली, शरीर पर चंद्रमाओं की भांति पंक्तियां सुशोभित हैं, मुख पर चंद्रमा सदा विराजमान रहता है इसलिए कृष्ण उन्हें चंद्रावली कहते थे। शरद चंद्र प्रभानना, इनका मुखमंडल शरदकालीन चंद्रमा के समान प्रभावान है इसलिए वेद व्यास जी ने उन्हें ये नाम दिया था। कहते हैं राधा रानी के इन 16 नामों का श्रवण और जप करने से आपके सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं और आपको मुक्ति प्रदान होती है।